हेलो दोस्तों, ये मेरा यार छोटा सा वर्क आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो बस 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। 500 लाइक जरूर कंप्लीट करना और साइड वाला जो लाइक वाला बटन है दबा दो यार, क्या जाता है आपका। और यार मैंने चैनल के एनालिटिक्स में देखा कि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स आ रहे पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके साइड वाला जो बेल आइकन है वहाँ पर जाके ऑल पे प्रेस कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेगी। सो गाइज, यही सेम मेथड यूज करके आप किसी भी रेडमी के फ़ोन में डॉल्बी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और डॉल्बी इंस्टॉल करने के बाद बहुत ही लाउडनेस आपको देखने को मिलती है और इम्प्रूव्ड साउंड देखने को मिलता है। तो डॉल्बी इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन में 4 फाइल्स होनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, आपके रेडमी के फ़ोन का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक होना चाहिए और उसके साथ आपके फ़ोन में कोई भी कस्टम रिकवरी होनी चाहिए। तो बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं, कस्टम रिकवरी कैसे डालते हैं, उसका एक रेफरेंस वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा K20 Pro एक कस्टम रिकवरी में यहाँ पे बूट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप रिकवरी डाल सकते हो किसी भी रेडमी के फोन्स में। तो पहले सबसे पहला स्टेप है कि बूट लोडर अनलॉक करना। तो आपको वही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद सिंपली गाइस आपको इंस्टॉल में आना है और इंस्टॉल में आने के बाद सबसे पहले आपको मैजिक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करना है। तो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है 20.1 में आपको सारे फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे यार ये अपने रिस्क पे कीजिए। तो जब मैं इंस्टॉल कर रहा था मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया, काफ़ी सिंपल तरीके से इंस्टॉल हुआ। और यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद आपको फ़ोन को रिबूट करना है। और यहाँ पे फ़ोन बूट होने के बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आपको करना है कि हमने मैजिक्स का जिप तो इंस्टॉल कर लिया, तो आपको उसके बाद मैजिक्स का APK भी इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ फाइल मैनेजर में, एक सेपरेट फाइल बना के रखा है डॉल्बी नेम से और वहाँ पे मैंने सभी फाइल स्टोर के रखा हुआ हूँ। और यहाँ पे मैजिक्स ये एप्लीकेशन में यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो गाइस ये आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक जरूर करना। उसके साथ मैजिक को ओपन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन टिक आ चुका है, मतलब हमारा मैजिक सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में आना है और यहाँ पे एक फाइल सर्च करना है, ऑडियो मॉडिफिकेशन लाइब्रेरी। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और उसको आपको गाइड्स इंस्टॉल करना है। तो यही सेम मेथड आप किसी भी रेडमी के फ़ोन्स में डॉल्बी इंस्टॉल करने के लिए यूज कर सकते हो जिसमें MIUI 11 या एंड्रॉयड 10 रन हो रहा है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली ये ऑडियो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको फ़ोन को रिबूट नहीं करना है और दो फाइल आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल्स में आना है और मॉड्यूल्स में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी जो इंस्टॉल हुआ है वो देखने को मिल रहा है पर यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है। उसके बाद प्लस बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको मैजिक सी लिनक्स मैनेजर ये जो .zip फाइल है ये भी मैजिक्स के थ्रू इंस्टॉल करनी है। और यहाँ पे आपके कर्नल्स में थोड़े मॉडिफिकेशन हो जाएंगे और जो परमिशन रहता है वो आपको यहाँ पे परमिसिव करना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे कुछ आपको प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम की यहाँ पे अप करने के लिए बोल रहा है, अप का बटन दबाने के बोल रहा है, तो आपका अप का बटन दबाना है। उसके बाद भी अप का जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देता है वो फॉलो करना है। लास्ट में आपको यहाँ पे एक परमिशन मतलब आ जाएगा फाइनली वॉल्यूम प्लस और डाउन का, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम डाउन से परमिसिव ये प्रेस करना है। उसके बाद आपके फ़ोन की कर्नल में थोड़े से चेंजेस हो कि वहाँ पे जो परमिशन होता है वो परमिसिव हो जाएगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके आपको जो MIUI 11 का जो उसके लिए जो डॉल्बी बना हुआ है उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल होने के बाद गाइज यहाँ पे आप फिर से मॉड्यूल्स में आके देख सकते हो कि तीनों फाइल्स यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद सिंपली आपको रिबूट करना है। तो यहाँ पे मैं सिस्टम को रिबूट कर लेता हूँ और जस्ट रिबूट करने के बाद गाइज आप डॉल्बी को इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन बूट हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा डॉल्बी का। और यार डॉल्बी के बाद बहुत K20 Pro में तो लाउडनेस आ चुका है और साउंड में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। इस एप्लीकेशन को टैप करना है, इसके ऐप इंफो में जाना है और यहाँ पे जो परमिशन रहता है स्टोरेज का ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, इनेबल हो चुका है। उसके बाद सिंपली एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और उसके बाद देख सकते हो एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुली डॉल्बी का यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे खुद ट्राई करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक म्यूज़िक और एक बार ट्रायल के लिए यहाँ पे आपके सामने प्ले करके
दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डॉल्बी एक्टिवेटेड है, तो साइड से आप इसे एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से डिसेबल और वहाँ से आप एक्टिव उसे कर सकते हो। तो यार इतना सिंपल तरीका है डॉल्बी मतलब इनेबल करने का, पर उसके पहले आपके फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए, TWRP रिकवरी भी इंस्टॉल मतलब कौन से भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ये मोड आप यूज़ कर सकते हैं। जय हिंद।